जय हिंद किसान भाइयों। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो कि किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी किसी किसान ने डेयरी व्यवसाय को शुरू करना है तो सबसे जो पहला कदम रहता है वो होता है एक अच्छे पशु का चुनाव। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि अच्छा पशु खरीदा जाएगा तभी अच्छे दूध की पैदावार होगी और डेयरी व्यवसाय जो है वो मुनाफा देगा। तो हमारे साथ फिर से डॉक्टर निशांत वर्मा हैं और ये हमें बताएंगे कि कैसे एक अच्छे पशु की क्या निशानी रहती है और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हम ध्यान रखें तो हम जो है एक अच्छा पशु खरीद सकते हैं। तो डॉक्टर साहब शुरू करते हैं, फिर ये आपको ले चलते हैं। ये हमारी होल्स्टीन फ्रीजियन गाय है। आप जैसा कि जानते हैं ये दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गायों में शुमार है और ये नीदरलैंड एक देश है, वहाँ की स्थाई गाय की नस्ल है। और आज हम आपको बताएंगे एक अच्छे दुधारू पशु को जब चुनाव करते हैं, यानी कि आपने खरीद फरोख्त करनी है, तो किन बातों का हम ध्यान रखें ताकि हम एक अच्छा पशु खरीद सकें और अपने डेयरी व्यवसाय को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। सबसे पहले हम जब भी किसी गाय को खरीदना है तो हम चलेंगे नाक से लेकर पूंछ तक, ठीक है। नाक से लेकर पूंछ तक उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए तो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम जब नाक की बात करते हैं, इसके जो नथुने होते हैं, नाक के जो नथुने होते हैं, ये जितने चौड़े रहेंगे ठीक है, नाक के नथुने जितने चौड़े रहेंगे उतना जो है बढ़िया रहेगा जानवर के लिए। और इसकी जो अगर मुंह की बात करें, मुंह जो है जितना कॉम्पैक्ट, यानी कि ज़्यादा इसमें चर्बी की मात्रा अगर आप इसको टच करेंगे, ज़्यादा चर्बी नहीं होनी चाहिए मुंह में। उसके बाद हम गर्दन की ओर जाते हैं, गर्दन भी बड़ी स्लीक होनी चाहिए। स्लीक मतलब इसमें जो वसा की मात्रा यानी कि फैट की मात्रा हमें कम से कम दिखे, एक जैसे हृष्ट पुष्ट जानवर वैसा होता है। उसके बाद हम चलते हैं इसकी पीठ की तरफ। पीठ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पीठ जो है जानवर की बिल्कुल ही सीधी हो, जितनी सीधी पीठ रहेगी उतना बढ़िया जानवर है। जितनी इसमें बेंड पड़ेगा, जैसे इसमें अगर कर्व पड़ गया इस तरह से, यानी कि जानवर उतना अच्छा नहीं है। अगर बिल्कुल सही बिल्कुल सीधा है यानी कि जानवर बहुत बढ़िया है और आपके अच्छा काम आएगा। और उसके बाद हम चलते हैं छाती की ओर। जैसे दो टांगों के बीच का जो एरिया है छाती, वो जितनी चौड़ी रहेगी छाती उतना बढ़िया रहेगा जानवर। जितनी चौड़ी छाती और जितने चौड़ी इसकी जो पसलियाँ हैं, पसलियों के एरिया जितना चौड़ा रहेगा, इसका मतलब उसकी जो सांस लेने की क्षमता ज़्यादा होगी, उसके फेफड़ों की क्षमता सांस लेने की ज़्यादा होगी। तो जिसकी क्षमता ज़्यादा रहेगी वो ज़्यादा दूध देने वाला जानवर होगा। उसके बाद चलते हैं पसलियों की ओर। ये जो पसलियाँ हैं इनके बीच, एक पसली है, दो पसली आप देख रहे हैं, तो इनके बीच जितना गैप रहेगा, तीन उंगली का गैप है, चार उंगली का गैप है, जितना ज़्यादा गैप रहेगा कम से कम ढाई उंगली का गैप होना चाहिए। और अगर तीन या चार उंगली का, यानी कि जानवर बहुत अच्छा है, यानी कि उसकी जो फेफड़ों की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और दूध देने वाला भी जानवर ज़्यादा रहेगा। इसके बाद हम पीछे चलते हैं। ये इसको हम हिप बोन बोलते हैं, ठीक है, कूल्हे की हड्डी, और इसको पिन बोन बोलते हैं। तो ये जो हड्डी है या तो इसके लेवल में रहे, या तो इसके ये वाली हड्डी या तो इसके लेवल में रहे या इससे नीचे चले जाए थोड़ी सी, लेकिन इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। यहाँ इसके ऊपर होगी यानी कि पशु आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद अब चलते हैं हम पूंछ की ओर। पूंछ में भी हम सोचेंगे पूंछ में क्या है, ठीक है। पूंछ में क्या होता है, पूंछ से हमें पता लगता है कि इसमें जानवर ज़्यादा वसा या ज़्यादा फैट तो नहीं है, ज़्यादा चर्बी तो नहीं है जानवर में। तो पूंछ जो है जितनी पतली रहेगी उतना बढ़िया रहेगा एक अच्छे दुधारू पशु के लिए, ठीक है। अगर हम किसी पशु को हमने 100 नंबरों से आंकना है, जैसे हमें किसी स्टूडेंट को आंकते हैं कि 100 नंबर में से कितने नंबर आए, ठीक है, तो 100 में से 40 नंबर जो है हमारे इसके ही होते हैं थनों और उसके आसपास के एरिए के। आइए जरा इधर आइए। तो थनों में ध्यान रखने वाली बात क्या है, सबसे पहली बात है इसकी जो मिल्क वेन यानी कि दुग्ध नली, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, दुग्ध नलियां, ये इसकी हैं दुग्ध नलियां। तो ये जितनी फुली हुई रहेंगी उतना बढ़िया जानवर रहेगा। दूसरी बात, इसमें जितने मोड़ होंगे, ठीक है, जितनी मोड़ होंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से इधर आ रही है, इधर आ रही है, इधर आ रही है, तो जितने मोड़ रहेंगे उतने ज़्यादा दूध देने वाला जानवर होगा। मोटी और मोड़ का कारण ये है कि उतनी तेज़ी से यहाँ पे रक्त जो है इसकी ओर जाएगा, थनों की ओर, और रक्त थनों की ओर जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो दूध प्रोड्यूस करेगा जानवर।
ठीक है, उसके बाद हम अगर देखें थनों के आकार के बारे में, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े थन होंगे तो ज़्यादा दूध देगी, बहुत छोटे होंगे तो कम दूध देगी। एक मध्यम आकार के थन होने चाहिए गाय में। और जो आपके इसके टीट्स हैं, ये हम देख रहे हैं टीट्स इसके, तो ये जो है एक अंगूठे के बराबर कम से कम हो, उससे छोटे ना हो, ताकि अब जब दूते हैं गाय तो उसमें समस्या आती है, तो कम से कम अंगूठे के आकार के हों। और इस हड्डी, ये वाली हड्डी है, इसको हुक बोन बोलते हैं, इस हड्डी से नीचे ये थन नहीं जाने चाहिए, ठीक है। ये भी अच्छे दुधारू पशु की पहचान है, इस हड्डी, ये जो हुक बोन बोलते हैं पिछले टांग में, उसे नीचे अगर ना जाए तो बेहतर है। और थन जो है, एक और बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, जब ये थन देख रहे हैं आप, जैसे थन वहाँ से शुरू है तो ये कम से जितना ये पीछे ख़त्म होंगे, जैसे ये थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जा रहा है, अभी ये पशु जो है कम से कम चौथे पाँचवें महीने, इस पाँच महीने इसको हो चुके हैं दूध देते देते, लेकिन अगर ये अगर शुरू में होता तो ये थन जो है यहाँ तक जाते इस तरह से, ठीक है। तो जितना ऊपर ये थन का पोर्शन रहेगा, इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाला वो जानवर है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ख्याल रखते हैं। और कुछ हम बात करें तो जब भी हमने पशु खरीदना है तो ध्यान रखें कि उसको एक बार चला के देख लें कि एक तरफ चलेगा जानवर, पहले उसके पीछे से मूवमेंट देखिए, फिर वापस आएगा तो सामने से मूवमेंट देखिए, कोई लड़खड़ाता हुआ जानवर तो नहीं है, जब वो चल रहा है कोई टक टक की आवाज़ तो नहीं आ रही है, इसका मतलब पशु की टांगों में कोई ना कोई समस्या है, वो पशु आपके लिए उपयुक्त नहीं है। और उससे इम्पॉर्टेंट बात जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब हम जानवर खरीदने जाते हैं तो ध्यान रहे कि कम से कम 3 बार उसका दूध निकाल के देख लें, 2 नहीं कम से कम 3 बार। मान लीजिए मैं आपके पास, किसी के पास जानवर खरीदने गया तो मैंने उसको कहा कि भी मैं आ रहा हूँ, ठीक है, तो आज शाम का दूध निकालिएगा। कई बार फार्मर क्या होता है, जिसके पास आप खरीदने गए हैं वो दूध को होल्ड करके रखता है कि आज सुबह कम दूही या दूही नहीं, तो शाम को 1-2 लीटर बढ़ गया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो उस टाइम हमने शाम को दूध निकाला, वो हमने उसमें काउंट ही नहीं करना है एवरेज में, अगले दिन सुबह और अगले दिन शाम, वो जो दो टाइम का दूध होगा उस पर हमने एवरेज लेंगे कि दिन का इसका जो एवरेज है वो ये है, दिन में ये 10 लीटर देती है, ठीक है। हम तो ये छोटी छोटी बातें जिनका हम ध्यान रख सकते हैं और जिससे हम अच्छा पशु खरीद सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो बहुत ही बढ़िया जानकारी डॉक्टर साहब ने दी। डॉक्टर साहब ने चेहरे से शुरुआत की, उन्होंने कहा चेहरा जो है वो चमकीला होना चाहिए, जो पीठ है, रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है पार्ट का कि थनों का जो है वो उहुल या जिसे हम अडर कहते हैं उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, उसकी जो पीछे से अटैचमेंट अच्छी हो, आगे उसकी जो मिल्क वीन्स है, जो खून की जो नालियां हैं वो घुमावदार हों और बड़ी बड़ी हों, तो ये जो है चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे, और जब भी पशुपालक पशु खरीदने जा रहा है ये इंश्योर करे कि वो 3 बार जो है पशु को उसका निकाल के देख लें। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी, और ये संक्षेप में जो है इन्होंने पशुपालकों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी है, और मुझे लगता है इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको नए पशु के चुनाव में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके कोई भी सवाल हैं तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो टाइप करके हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।